jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ISL के तहत गुरुवार को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले मैच में अपनी टीम चेन्नई FC को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन शाम को चार्टर्ड प्लेन से सोनारी एयरपोर्ट पर उतरे। अभिषेक को देखने के लिए सोनारी एयरपोर्ट के सामने फैंस की भीड़ सुबह 11 बजे से जुटनी शुरू हो गई थी। अभिषेक की दीवानगी का आलम ऐसा था कि एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ फैंस आपस में भिड़ गए। कई फैंस बिना खाना पिए एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर टिकट की लगाए बैठे थे। अभिषेक बच्चन के आने की खबर पर सोनारी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। शाम लगभग 5 बजे चार्टर प्लेन से अभिषेक सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। बाहर हजारों की भीड़ मेन रोड के दोनों ओर लगी हुई थी। सिक्योरिटी में तैनात व्हीकल्स के मेन गेट से निकलने के साथ ही फैंस का सब्र टूट गया और वे अभिषेक की झलक पाने सड़क पर आ गए। अभिषेक नीले रंग की लैंडलोवर कार में बैठे थे। लोग उनकी कार के सामने आ गए, इस कारण कार को रोकना पड़ा। पुलिस और सिक्योरिटी गार्डों को गाड़ी को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। DSP लेवल के आए ऑफिसर को खुद सिक्योरिटी की कमान संभालनी पड़ी। फिर किसी तरह अभिषेक की कार आगे बढ़ी। ISL का मैच देखने के लिए चेन्नई टीम के मालिक अभिषेक बच्चन शाम 7:30 बजे जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। दर्शकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अभिषेक ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने ग्राउंड के किनारे लगे सोफे पर बैठ पूरा मैच देखा। बीच बीच में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। टीम के गोल करते ही खड़े होकर ताली बजाने लगे। पहले हाफ की एंड पर अभिषेक उठकर दर्शकों का झुककर अभिवादन किया। इससे पूरा स्टेडियम उनके स्वागत में खड़ा हो गया।